फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो मैं हूँ श्वेता। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट सी रेसिपी जिसे हम बनाने वाले हैं लेफ़्ट ओवर राइस से। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार चावल हमारे बच जाते हैं या गीले हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कुक हो जाते हैं, तो इस तरह से आप उसका बहुत ही आसानी से स्नैक्स बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने पैन लिया है और मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है। 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करना है। अब मैं इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करूंगी, यानी सरसों के दाने 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड सीड हमारा क्रैकल करने लगा है। अब मैं इसमें करी लीव्स एंड अनियंस डालूंगी, फाइनली चॉप किया हुआ। तो एक स्मॉल साइज अनियन लिया है मैंने, यानी प्याज फाइनली चॉप किया हुआ। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ मैं मटर भी ऐड कर दूंगी ताकि मटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो 1/4 कप के बराबर मैंने पीस लिया है। अब फ्लेम हम स्लो कर लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी ताकि हमारा मटर सॉफ्ट हो जाए जल्दी। अब हम इसे पका लेते हैं। सम ड्राई मसाले ऐड करना है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, यानी धनिया, हल्दी और मिर्ची ऐड किया है मैंने। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो एक्स्ट्रा मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और मसाले कुक कर लेना है। अब मैं इसमें 2 बॉयल्ड पोटैटोज़ ऐड करूँगी मैश किए हुए। 2 आलू को मैंने उबाल कर छील कर अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और अच्छे से हमें मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार है। इसमें मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देती हूँ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। तो ये हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम राइस बॉल बनाने की तैयारी करते हैं। अब मैंने लिया है लेफ्ट ओवर राइस जो हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है, 1 कप के बराबर बॉइल्ड राइस है ये। अब मैं इसमें 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ सेमोलिना ऐड करूंगी। एक साथ हमें नहीं ऐड करना है। तो हमारा एक सेमी सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, सम सॉल्ट, क्योंकि स्टफिंग जो हमने तैयार किया है आलू के मिक्सचर में, वो भी इसमें भी नमक है, तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है इसमें। तो ये हमारा सेमी सॉफ्ट डो बनकर तैयार है राइस का। अब इस तरह से हमें हाथ में ऑयल लगाना है और एक राइस का बॉल लेना है और फ्लैटन कर लेना है। अब मैं इसमें पोटैटो मिक्सचर ऐड करूँगी और इसे हम स्टफ कर देंगे और एक बॉल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा बॉल बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारा बॉल्स बना लेंगे। आप चाहे तो बड़ा छोटा जैसा भी साइज बना सकते हैं। तो मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक टिन में ऑयल स्प्रेड करूंगी। इस तरह से हमें लगा लेना है ताकि हमारे बॉल स्टिक ना हो स्टीम करते वक्त। अब मैं इसे स्टीम करूंगी। तो ऑलरेडी मैंने एक पैन में पानी रख दिया है और एक स्टैंड रख दिया था। वाटर बॉयल हो चुका है। अब हम इसे स्टीम करेंगे फॉर 5 मिनट्स के लिए। तो मैंने 5 मिनट्स के लिए स्टीम कर लिया था मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो बॉल्स हमारे अच्छे से फूल गए हैं और एक शाइनी टेक्सचर आ जाता है। अब हम टेम्परिंग बनाएंगे। तो मैंने पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है और मीडियम फ्लेम पर हमें कुक करना है। 1 टीस्पून के बराबर मस्टर्ड सीड ऐड किया है, सम एसाफोइटिडा यानी हींग, तो सरसों और हींग डाला है मैंने इसमें। अब मस्टर्ड हमारा पक चुका है। अब मैं इसमें सम करी लीव्स एंड सम चिलीज ऐड करूंगी, यानी करी पत्ता और हरी मिर्च स्लिट किए हुए। इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। सम टर्मरिक पाउडर ऐड करते हैं फॉर कलर, 1 टीस्पून के बराबर। इसे भी हम मिला लेते हैं और कुक कर लेते हैं। अब हम स्लो फ्लेम पर बॉल्स को कुक कर लेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो हम इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं।
अब ये पक चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसमें सम कोरिएंडर्स ऐड करूंगी यानी धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स हमारा स्टफ़ राइस बॉल्स बनकर तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।